आदि पुरुष एक फिल्म, एक ऐसी फिल्म जिसके डायलॉग मनोज मुंतशिर ने लिखी। मनोज मुंतशिर वही जो एक बहुत बड़े राइटर हैं और कहीं ना कहीं तमाम गानों को उन्होंने अपना गाना बना लिया। दर्शकों, इस बार जो संवाद लिखा है उस संवाद में ये कहा जा रहा है कि आपने भारत देश की गरिमा और यहाँ पर संस्कार और संस्कृति पर खिलवाड़ कर दिया। ये कहा जा रहा है कि आपने जो डायलॉग बाहुबली के लिए लिखे थे इस फिल्म को भी आपने बाहुबली समझ लिया। आपने जो ग्राफिक्स बताए, आपने जो डायलॉग लिखे हैं उससे रामायण को आहत हुई है, धर्म हुआ है, उससे जो है तमाम हिंदुओं को जो है कष्ट पहुंचा है। लेकिन इस बीच जो है छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी, उस प्रतिक्रिया में बता दिया कि इस तरीके की संवाद ठीक नहीं होते हैं, ये संवाद विवाद खड़े कर देते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, आपको बता दें कि यहां पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने साफ तौर पर धर्म की बात करते हुए मनोज मुंतशिर को घेरा और आदि पुरुष मूवी पर कई सवाल खड़े कर दिए, आप खुद ही सुनिए। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उसको इन्होंने धीरे धीरे युद्धक राम की उनकी छवि बनाई। हनुमान जी जो ज्ञान भक्ति शक्ति के प्रतीक हैं, उसको एंग्री बर्ड बना दिए। अब तीसरा क्रोनोलॉजी ये है कि जो सब बजरंग दल के लोग बोलते हैं वो शब्द भगवान हनुमान जी से बुलवा रहे हैं, ये इनकी क्रोनोलॉजी है कि इनको किस प्रकार से इनके छवि और तस्वीर को रूपांतरित किया जाए। ये एक दिन का नहीं है, ये वर्षों का है। और अब जब जनता इसके खिलाफ खड़ी हो गई तो वे कहते हैं कि इसको बैन लगाया जाए। अब तो अरुण साहब जी ट्वीट किए थे, उसको डिलीट भी कर दिए। तो उद्देश्य इनका यह है कि किस प्रकार से हमारे आदर्श, जिसको हम लोग आदर्श मानते हैं, हमारा आस्था है, हमारी आस्था, उसको इसको किस प्रकार से परिवर्तित किया जाए, रूपांतरित किया जाए। लेकिन उसका असली चेहरा अब बेनकाब हो चुका है, जनता जान चुकी है। जो बनाने वाले हैं वो कौन हैं, किन किन के साथ फोटो है, उनके एसोसिएशन किन के साथ हैं, वो सब जान गए। अन्यथा ये यदि कोई दूसरा डायरेक्टर और निर्माता होता, अभी तक के पूरे देश भर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वाले पूरा सड़कों में दिखाई पड़ते, लेकिन उनके अपने हैं, इसलिए ये लोग छुपे हुए। क्यों छुपे हुए भाई? यदि आप राम के भक्त हैं, हनुमान जी के मानने वाले हैं, चाहे वो कोई बनाने वाले, उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही चाहिए? इसका मतलब ये है कि राम पे आपकी आस्था नहीं है, हनुमान पे आपकी आस्था नहीं है, माता जानकी पे आपकी आस्था नहीं है। आप तो केवल राजनीति करना चाहते हैं और राजनीतिक उद्देश्य से आपका गठन हुआ है। नहीं तो आप निष्पक्ष होते तो आपको अभी तक के इसमें जैसे पहले हरकत करते थे वैसे हरकत करना था। चुप, पूरे देश भर में चुप है। दूसरा, आज एक तो सुना आपने इस वीडियो को, इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर भूपेश बघेल जो है हमलावर देखे। लेकिन सवाल तो मनोज मुंतशिर पर भी खड़े होते हैं कि आप जब डायलॉग लिख रहे थे, जब आप संवाद लिख रहे थे, तो क्या आपको पता नहीं था कि रामायण क्या है, राम कौन है? राम एक ऐसी छवि है, एक ऐसे महापुरुष हैं, एक ऐसे भगवान हैं जिनसे हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, राम के वंशज हम कहलाते हैं। तो आप जब संवाद लिख रहे थे तो क्या आपने राम की छवि को अपने अंदर नहीं उतारा? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अभी फिलहाल जो है मनोज मुंतशिर तमाम इंटरव्यू दे रहे हैं और ये कहा है कि बहुत जल्द जो है अब जो आदि पुरुष फिल्म है उसके डायलॉग बदल दिए जाएंगे। अब देखना ये पड़ेगा कि डायलॉग बदलेंगे या नहीं बदलेंगे और मनोज मुंतशिर जो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं उनको सुरक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।